एक बार की बात है, सरिता अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। सरिता का पति मजदूरी कर बहुत मुश्किलों से अपने घर के खर्चे पूरे कर पाता था। सास कावेरी बहुत ही ज्यादा बुरे स्वभाव की थी। वह हमेशा घर की आर्थिक स्थिति का जिम्मेदार अपनी बहू सरिता को समझती थी। वो हमेशा उसे अनाप शनाप कहती रहती थी, लेकिन सरिता एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सरिता माँ बनने वाली थी। सरिता की सास बहुत खुश होती है। ओ बहू, बेटे को ही जन्म देना। आई बात समझ में? घर में बेटा आएगा तो घर का वारिस आ जाएगा और राकेश बेटे की भी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। बेचारा कब से घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है। माँ जी, बेटा हो या बेटी, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और देखो, इतने सालों बाद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मेरी गोद हरी कर दी। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अब ऊपर वाला जो भी देता है उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और बेटियां भी तो कम नहीं होती, वह भी अपने बाप का बाजू बन सकती हैं अगर उन्हें इसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया जाए जैसे बेटों को किया जाता है। बेटियां कभी भी बाप का बाजू नहीं बन सकती, बेटा ही बाप का बाजू बनता है। और बेटियां तो सिर्फ खर्चे खर्चे और खर्चे ही करवाती हैं और कुछ नहीं। ओ बहू, मुझे पोती नहीं पोता चाहिए, पोता, ये बात सुन ले। आए बस समझ में? पहले उन्हें पाल पोस कर 18 साल तक बड़ा करो और फिर 18 साल बाद उनकी शादी कर दो। सारी जमा पूंजी उनकी शादी में लगा दो। ना बाबा ना, मुझे तो पोता चाहिए। सरिता बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी कि अगर उसने बेटी को जन्म दिया तो बेचारी के साथ ना जाने इस घर में कैसा व्यवहार होगा, उसे स्वीकार किया भी जाएगा या नहीं। बस वह इसी सोच में रहती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सरिता एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारी बेटी को जन्म देती है। जब इस बात की खबर कावेरी को लगती है तो वह गुस्से से तिल मिला जाती है और वह सरिता को बहुत ही ज्यादा अनाप शनाप कहती है। जब कावेरी की बातों का सरिता पर कोई असर नहीं होता तो वह बाहर आकर एक प्लान बनाती है। पहले तो सरिता की बच्ची ने मेरे बेटे का खून पिया और अब इसकी बेटी आ गई मेरे बेटे को जिंदा मारने के लिए। इन दोनों माँ बेटी के तो खर्चे पूरे होंगे ही नहीं। हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इस मनहूस का तो मुझे कुछ करना होगा। रात होते ही इसे गायब कर दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, ऐसा सोचकर कावेरी रात हो जाने के बाद जब सरिता अपनी बेटी के साथ सुकून की नींद सो रही थी तो वह उसका सुकून बर्बाद करने के लिए उसकी बेटी को उसके पास से उठाकर ले जाती है और एक घने जंगल में ले जाकर एक नदी के पास छोड़कर आ जाती है। ऐसा करकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। और जब सुबह को सरिता की आंखें खुलती हैं तो उसकी बेटी उसके पास नहीं होती। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। राकेश जी, माँ जी, मुन्ने कहा है, वो तो दिखाई ही नहीं दे रही। रात को मेरे ही तो पास सो रही थी। मैं कैसी माँ हूँ अपनी बेटी का ख्याल भी ना रख सके और बेखबर सोती रही। माँ जी, आपने मुन्ने को देखा, वो कहाँ चली गई? राकेश जी, कुछ तो बताइए, मुन्ने कहा है? मैं मुन्ने के बिना कैसे जीऊंगी? मेरी प्यारी बच्ची कहाँ है? माँ जी, अगर आपने उसके साथ कुछ किया है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, लेकिन बस मुझे मेरी बच्ची के बारे में बता दीजिए। वो कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है? ओ बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बेटी के आने की वजह से मैं खुश नहीं थी, मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने उसे तेरे से अलग कर दिया। एक माँ को एक बेटी से मैं अलग कर सकती हूँ? तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इतनी छोटी बच्ची को कैसे अलग कर सकती हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं? तू मुझे क्या कसाई समझती है? देख ले बेटे, ये सरिता अपनी बेटी के खोने का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं इतनी जालिम हूँ?
बेचारी सरिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह गांव में सब जगह अपनी बेटी को ढूंढती है, सबसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन उसे अपनी बेटी का कोई अता पता नहीं चलता, क्योंकि कावेरी ने बहुत ही सफाई से काम किया था, वह नदी में छोड़कर आई थी और वह बेचारी नवजात बच्ची बहते हुए पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरिता की बेटी नदी में तैर रही थी कि तभी एक चुड़ैल की नज़र उसके ऊपर जाती है और वह नदी से उसे निकाल कर लेकर आ जाती है। अरे वाह, कितनी आसानी से मुझे यह नरम नरम मांस खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, इसे खाती नहीं हूँ। यह तो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। इसे बड़ा कर अपनी काली शक्तियों से इसकी सारी सुंदरता छीन लूंगी और फिर एक सुंदर चुड़ैल बन जाऊंगी। मुझसे कोई नहीं डरेगा और मैं सुंदर चुड़ैल बनकर लोगों का शिकार करूंगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना सुंदर बच्चा मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह उस मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी परीलोक से चार परियां पृथ्वी पर आ रही थी और वह चुड़ैल के हाथ में इतना सुंदर बच्चा देखकर चौंक जाती हैं। अरे अरे, वो देखो, उस चुड़ैल के हाथ में कितना प्यारा बच्चा है। पता नहीं किसका बच्चा चुरा के लेकर जा रही है। हमें इस चुड़ैल से इस बच्चे की जान बचानी चाहिए। अरे यार, हमें क्या लेना, हम यहाँ पृथ्वी पर घूमने आए हैं, मौज मस्ती करने आए हैं, बेकार के लफड़ों में पड़ने नहीं आए। उस चुड़ैल से पंगा लेना? ना बाबा ना, हमें नहीं लेना चुड़ैलों से पंगा वंगा। मेरा फालतू में मुसीबत में क्यों फंसे किसी के चक्कर में? हम अपनी जान मुसीबत में क्यों डाले और चुड़ैल से लड़ाई करें? चल छोड़ना, जिस मकसद के लिए पृथ्वी पर आए हैं वो करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अरे पता नहीं यह चुड़ैल मासूम बच्चे के साथ क्या करे, कहीं इसका मांस ना खा ले। वैसे भी चुड़ैलों को बच्चों का नरम नरम मांस बहुत अच्छा लगता है। हम परियां हैं, हमारे पास शक्तियां हैं, तो क्या हम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस चुड़ैल से इस बच्चे को नहीं छुड़ा सकते? फिर हमारा परी होने का क्या फायदा, जब हम भी इंसानों की तरह अपने ही बारे में सोचेंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेचारे के माँ बाप कितना तड़प रहे होंगे और बच्चे ना होने की तड़प हम चारों से बेहतर कौन समझ सकता है। चारों परियां बहुत ही ज्यादा अच्छी थीं, इसलिए वह चुड़ैल से उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और वह चुड़ैल से बच्ची को मांगती हैं। देखो, बहुत समय से चुड़ैल और परियों की लड़ाई नहीं हुई है, बंद हो चुकी है और वह आपस में नहीं लड़ती। ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आती हूँ और ना ही तुम मेरे रास्ते में आओ। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम जानती नहीं हो कि चुड़ैल तुम परियों के ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो, मैं इस बच्ची को तुम्हें नहीं दूंगी। देखो चुड़ैल, हमारा भी तुमसे लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है और हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस यह बच्ची हमें लौटा दो, सिंपल सी बात है। ना हम तुमसे लड़ेंगे और ना ही तुम हमारी दुश्मन बनोगी, वरना तुम नहीं जानती इस बच्ची को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? ठीक है, तो आओ दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है, मैं भी तो देखूं तुम एक चुड़ैल को किस तरह से मात देती हो और किस तरह से मुझसे इस बच्ची को लेकर जाती हो। इसे तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। चुड़ैल और चारों परियों के बीच बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई होती है और चारों परियां चुड़ैल पर भारी पड़ जाती हैं और वह बच्ची को उसके चंगुल से बचा लेती हैं। चुड़ैल बुरी तरह से जख्मी थी और वह जाते जाते चारों परियों को धमकी देकर जाती है। तुम चारों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और जब इस बार वापस आऊंगी तो बहुत ज्यादा ताकतवर होकर वापस आऊंगी और इस बच्ची को तुमसे छीन कर ही रहूंगी। हाँ चुड़ैल दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। चारों परियां उस बच्ची का नाम अनोखी रखती हैं और उसे पेट भरकर दूध पिलाती हैं, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। चारों परियां अनोखी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, मानो जैसे उन्हें जिंदगी जीने का एक मकसद मिल गया हो। और वह चारों कहती हैं,
अनोखी बिल्कुल परियों जैसी है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए, इसके घर पर नहीं लेकर जाना चाहिए। मुझे मेरी शक्तियों से पता चला है इसकी दादी बहुत ही ज्यादा दुष्ट है और उन्होंने इसकी माँ से इसे अलग किया है। अगर हम दोबारा से इसे वहाँ पर छोड़कर आएंगे तो इसकी दादी दोबारा से बेचारी के ऊपर जुल्म करेंगी, इसलिए हमें इसे अपने साथ अपनी बेटी बनाकर लेकर जाना चाहिए। हाँ, यह तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज से ये हम चारों परियों की बेटी है। क्या हुआ अगर हमने इसे जन्म नहीं दिया तो? लेकिन ये हम चारों परियों की ही बेटी है, इसका हम बहुत ख्याल रखेंगे। इसकी एक माँ नहीं बल्कि चार चार परी माँ है। चारों परियां अनोखी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थीं और वह उसे परीलोक लाकर उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करती हैं। अनोखी की किस्मत कितनी अच्छी थी, अगर एक माँ का प्यार उससे छीना गया था तो उसे चार चार माँ का प्यार मिल रहा था। परीलोक जैसी जिंदगी जीने को मिल रही थी, उसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद परीलोक में रानी परी आती हैं और वह पृथ्वी की एक अनाथ लड़की को देखकर गुस्से से तिल मिला जाती हैं और वह चारों परियों से कहती हैं, हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। आखिर तुम्हें पृथ्वी से इस अनाथ बेटी को परीलोक में लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता नहीं पृथ्वी के बच्चे परीलोक में नहीं पाले जाते? और अगर तुम माँ नहीं बन सकती इसका मतलब क्या है? तुम पृथ्वी के अनाथ बच्चों को लेकर आओगी और परीलोक को धर्मशाला बनाओगी? और मुझे तो ये भी पता चला है कि तुमने इस लड़की को बचाने के लिए चुड़ैल से दुश्मनी मोड़ ली है। देखो, तुम हमारे परीलोक की शक्तिशाली परियां हो, इसलिए हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। चुपचाप इस अनाथ बेटी को पृथ्वी पर छोड़ कर आओ जहाँ से लेकर आई हो। सॉरी रानी परी, ये हमारी बेटी है और हम चारों इसे पृथ्वी पर नहीं छोड़ कर आएंगे। तुम एक अनाथ बेटी के लिए रानी परी से सवाल जवाब कर रही हो, उसके सामने जबान लड़ा रही हो। तुम जानती नहीं हो कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए तुम चारों परियां एक अनाथ बेटी के लिए हमसे लड़ाई मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रानी परी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमें परीलोक से बेदखल कर देंगी, हमें कभी परीलोक में आने की परमिशन नहीं देंगी, तो ठीक है, लेकिन हम अनोखी को नहीं छोड़ सकते। रानी परी चारों परियों को अनोखी के साथ परीलोक से निकाल देती हैं। चारों परियां अनोखी को लेकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। तभी अनोखी कहती है, परी माँ, आप मेरी वजह से परीलोक मत छोड़िए, वो आपका घर है, वो आपकी दुनिया है, आप वहाँ पर रहती हैं, यहाँ पर नहीं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी वजह से आप मुश्किल रास्ता मत चुनिए, आप मुझे वहाँ पर छोड़कर आ जाइए जिसकी मैं बेटी हूँ। अगर वो मुझे नहीं अपनाते तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाइए, लेकिन मेरी वजह से ये मुसीबत मत उठाइए। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, मेरे लिए बहुत है। अनोखी, हमारी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं कहते, हम तुम्हारे लिए किसी भी चट्टान से लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई भी मुसीबत उठाने के लिए तैयार हैं, और तुम हमारी बेटी हो, और एक माँ अपनी बेटी को कभी अपने आप से अलग नहीं करती। आज तो तुमने ऐसा कह दिया है, आज के बाद हमसे अलग होने की बात मत कहना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, यह चारों परियां कब तक परीलोक में इस अनोखी को छुपा के रखती? आखिर पृथ्वी पर आ ही गई ना, कब से मुझे इस पल का इंतजार था। मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम्हें उस अनोखी को उठाकर लेकर आना है, उसके बाद तुम्हें चारों परियों को आसानी से संभाल सकती हूँ। चुड़ैल अपने साथियों को अच्छी तरह से समझा देती है और वह चुड़ैल और उसके साथी आकर परियों पर हमला कर देते हैं। चारों परियां चुड़ैल को मारने में लग जाती हैं। तभी चुड़ैल का एक साथी अनोखी को वहां से लेकर भाग जाता है। चुड़ैल भी चारों परियों की आंख में धूल झोंकने में कामयाब रहती है और वह भी भाग जाती है। चारों परियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, उन्होंने अनोखी को खो दिया था। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। चुड़ैल ने अनोखी को कहाँ छुपा के रखा है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। मैंने अपनी सभी शक्तियों को इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा कि उस दुष्ट चुड़ैल ने अनोखी को कहाँ छुपा के रखा है। हमारी बच्ची ठीक भी है या नहीं, कुछ पता नहीं। यह क्या हो गया, हम अनोखी के बिना कैसे जिएंगे? अरे अरे रानी परी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं?
तुम चारों परियां हमारे परीलोक की जान हो। अगर परीलोक की जान ही निकल जाएगी तो परीलोक कैसे जिंदा रह सकता है? हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और हम अब तुम्हारी मदद करने यहाँ आए हैं। हमें पता है कि उस चुड़ैल ने अनोखी को कहाँ छुपा के रखा है और हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वह अनाथ बेटी तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। चारों परियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं कि रानी परी उनकी मदद करने पृथ्वी पर आई हैं और रानी परी चारों परियों के साथ चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं और गुफा में जाने के बाद कुछ देर बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई चलती है, लेकिन रानी परी और चारों परियां चुड़ैल और उसके साथियों को मार गिराने में कामयाब हो जाती हैं और वह अनोखी को सही सलामत बचाकर लेकर आ जाती हैं। सब एक साथ बहुत खुश थे। वह परी लोग जा ही रहे थे कि तभी अनोखी कहती है, परी माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए कोई भी मुसीबत उठाने के लिए तैयार हैं, किसी से भी लड़ सकती हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरी सगी माँ से मिलवा सकती हैं, प्लीज, बस एक बार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम अपनी माँ के पास नहीं रहोगी, हमारे साथ परी लोग जाओगी। सुनहरी परी, मुझे लगता है कि हमने इतने साल एक बेटी को एक माँ से अलग रखकर बहुत बड़ा पाप किया है। हमें अनोखी को उसकी सगी माँ के पास छोड़कर आना होगा। अनोखी बेटी, हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, अगर तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। चारों परियां और रानी परी अनोखी को उसके असली परिवार के पास ले जाती हैं और वहां जाकर सरिता को सब सच बताती हैं। सरिता अपनी बेटी को इतने समय बाद इतना बड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह उसे गले लगा लेती है। अनोखी भी अपनी सगी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी सरिता परियों से कहती है, परियां सच में बहुत अच्छी होती हैं। तुमने मेरी बेटी का कितना ख्याल रखा और आगे भी तुम ही रखोगी, यह आज से तुम्हारी ही बेटी है। मैं तो बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती थी कि वो किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं, लेकिन मेरी बेटी तो बहुत अच्छी जगह है, परीलोक में है, मैं बहुत खुश हूँ। और बेटा, तुम्हारी दादी ने तुम्हें मुझसे अलग करने का जो पाप किया था, उन्हें उसकी सजा अच्छी मिली है। सरिता अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है और वह परियों के साथ अपनी बेटी को परीलोक खुशी खुशी भेज देती है। अनोखी भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है और वह परियां सरिता को बहुत सारी धन दौलत देकर अनोखी के साथ परीलोक आ जाती हैं और वह अनोखी के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती हैं।